क्या आपको पता है हर बच्चा जो 10th ग्रेड में जाता है ये 3 गलतियां तो जरूर करता है। मैं चाहे जितनी बार भी वीडियो बना लूं फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बहुत YouTube में गलत गलत जगहों पर अफवाहें फैलाई जाती हैं और बहुत बहुत ज्यादा ही गलत लोगों को फॉलो किया जाता है। सो कृपया करके आप ये गलतियां मत करना और इन 3 गलतियों से बचकर रहना, वरना आगे जाकर बहुत भारी पड़ सकता है। इतना भारी कि हो सकता है कि भाई आपके परसेंटेज जितने आने चाहिए उतने आए ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको डरा नहीं रहा, कोई रियलिटी बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब ये गलतियां होंगी और हो सकती हैं और आप बचे रहो। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है। सो वेलकम टू दिस सेशन मेरे क्लास 10 के शेरों और शेरनियों। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये गलती करने वाले थे कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला, इग्नोरिंग द सोसाइटल प्रेशर। ये क्या होता है सर? पहली बार सुन रहे हैं सोसाइटल प्रेशर? द प्रेशर जो आपके ऊपर सोसाइटी डालेगी। जब 9th से 10th में जाते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन का सिनेरियो शुरू हो जाता है। और क्या शुरू होता है भाई? शुरू होकर सुर हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? क्या कहना चाहता हूं मैं? आपके पेरेंट्स, अनवांटेड एंड वांटेड रिलेटिव्स, सिबलिंग्स हो तो सिबलिंग्स, फ्रेंड्स हो तो फ्रेंड्स, और क्लास के जो क्लासमेट्स होंगे, स्कूल के जो टीचर्स होंगे, कोचिंग के जो टीचर्स होंगे, सब आपके ऊपर एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट का प्रेशर डालेंगे। अरे साल बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। और ये प्रेशर धीरे 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 बढ़ता चले जाएगा और एंड पर जाकर आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपका और उनका जमीन आसमान का फर्क रहेगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रिपेयर रहना कि ये सारी चीजें शायद हो सकती है अगर आपकी संगति सही ना हो तो। और 99% लोगों की संगति सही नहीं होती है ना, या तो पेरेंट्स, या तो टीचर्स, या तो दोस्त, होते ही होते कोई ना कोई। तो मैं चाहता हूं कि आप एंड में जाते जाते इस चीज का स्ट्रेस मत लो, लेकिन ये आएगा ही आएगा। अब आपके पास चॉइस होगी कि भाई इन स्ट्रेसेस को मुस्कुराहट के साथ झेलना या रोते हुए। ठीक है बेटा, याद रखना, ये इग्नोर नहीं करना। नंबर 2, एंड मोमेंट तक पढ़ाई नहीं करना। जैसे अब तो भाई बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल से बच्चे कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्योंकि अब सब कुछ स्पून फीडिंग हो रही है ना। YouTube पर अगर आप देखोगे टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस, टॉप 500 क्वेश्चंस, हर कोई कराता है, हम भी कराते हैं। और एंड मोमेंट में जाकर बच्चे लास्ट 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर सारे सेशंस ऐसे ही करते हैं और फिर 10th में अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। काफी अच्छी बात है, लेकिन वो कितने बच्चे होते हैं जो 1 महीने के अंदर पढ़कर सब कुछ ले जाते हैं? बहुत सारे ने। ठीक है, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप आराम से शुरू करिए, आप वेकेशन लीजिए, आप छुट्टी लीजिए, बिल्कुल आराम से। जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आप आराम से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, एंड मोमेंट तक चीजों को ना रखिए। ठीक है, CBSE हमेशा पेपर ईजी बनाती है, लेकिन 10th में पास होना मुद्दा नहीं है, 10th में अच्छे मार्क्स लाना मुद्दा है। कि क्या आपका पोटेंशियल 60 से 100 पहुंच सकता है, 40 से 100 पहुंच सकता है, उसका मुद्दा है। और उसके लिए 1 साल का वक्त बहुत होता है। आप ही कंपेयर करिए कि भाई 1 साल आप पढ़ाई करोगे या लास्ट 30 डेज के लिए पढ़ाई करोगे, वो भी कहां से, क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। उस वक्त यूट्यूब में हर एक चैनल फायदा उठाता है आपका डर का, और बहुत सारी गलत गलत चीजें होती, कुछ अच्छे भी होते। तो मैं सबको इतना कहना चाहता हूँ कि बेटा आप धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर लेना, जब स्कूल शुरू हो जाएंगे आपके। वेकेशन के दौरान आप प्लानिंग वगैरह कर लो, कोई इशू नहीं है, बट जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो पढ़ना शुरू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सही है। अब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसका एक सही डेटा आपका निकल जाता है जब आपके स्कूल के एग्जामिनेशन से मार्क अच्छे आते हैं या बुरे। उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसे चल रहा है। ठीक है, चलो अब तीसरी बात, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी बता देता हूं आपको। 9 तक हम क्या करते हैं कि भाई SST और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को एंड मोमेंट में पढ़ते हैं, ये 10th में बिल्कुल मत करना है। मैं बताता हूं, आपके सीनियर्स यहां पर कमेंट से बताएंगे कि भाई SST एग्जामिनेशन इस साल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। इंग्लिश तो फिर भी ठीक था, है ना, मैथ्स भी फिर भी ठीक था, लेकिन साइंस और बहुत आसान थी। क्यों? क्योंकि भाई साइंस सबसे पहले लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे आप समझ के देखो भाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। जो सब्जेक्ट आप साल भर पढ़ते हो वो सब्जेक्ट ईजी जाती है, जो सब्जेक्ट एंड में पढ़ते हो सब्जेक्ट हार्ड जाएगी। ऑफ कोर्स ये बात है यार, इसलिए साइंस और मैथ्स प्रॉब्ली सबके लिए इजी जाती है। मैथ्स कभी कभी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन इट्स इजी फॉर एवरीबॉडी। लेकिन इंग्लिश और SST और लैंग्वेजेस हार्ड हो जाते हैं, इसी वजह से जाकर एंड मोमेंट में जाकर IT का पेपर, CS का पेपर, AI का, इलेक्टिव्स का पेपर बच्चे टेंशन में ले होते हैं, क्योंकि भाई पूरे साल नहीं पढ़ते हैं।
और शायद स्कूल में अच्छे से पढ़ाते भी नहीं होंगे, आई हैव नो आइडिया। तो बस इतना चाहता हूँ कि भाई इलेक्टिव्स हो जाए या सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी और इंग्लिश या लैंग्वेजेस हो जाए, उनको एंड मोमेंट तक मत रखेगा, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। साइंस में 16 चैप्टर्स तो एसएसटी में भी इतने ही है, 21 चैप्टर्स के आसपास है, इंग्लिश में भी इतना ही है। तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू गाइस एंड मोमेंट में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि बहुत भसड़ मचती है बहुत, और बहुत बच्चों का सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज कम होता है। तो कृपया करके डोंट इग्नोर, हफ्ते में कम से कम एक या दो बार पढ़ लेना इन सब्जेक्ट्स को प्लीज। ठीक है बेटा, तो यही तीन गलतियां बहुत 99% बच्चे गलत करते हैं, मैं इन्हें आपको बता दिया। होपफुली आप इस बात को सुनोगे और मुझे कमेंट से बताओगे हाँ सर हम ये गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस भी मेरे शेरोशन आपकी गलती नहीं करोगे इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मैं आया हूँ आपको रियलिटी बताने के लिए, ट्रूथ बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, मक्खन लगाने के लिए नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ चीज़ों को लेकर। सो अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फोड़ देंगे इस साल 10th ग्रेड है ना। प्लीज़।